नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज यानी 26 अक्टूबर को गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्मदिन है। विख्यात पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी लेखनी के जरिए देश की पत्रकारिता को नई दिशा दी। बतौर एक पत्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में विद्यार्थी का योगदान वाकई अतुलनीय है। गणेश शंकर विद्यार्थी जीवन भर धार्मिक कट्टरता और उन्माद के खिलाफ आवाज मुखर रहे। आजादी आंदोलन के दौर में दंगाई भीड़ के बीच भाईचारा कायम करने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। 25 मार्च 1931 की तारीख को कानपुर में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे के दौरान हिंसक भीड़ की चपेट में आ उन्होंने अपनी जान गंवा दी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में दाखिला लिया तो उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर बढ़ता चला गया। इसके बाद वे प्रसिद्ध लेखक पंडित सुंदरलाल के साथ हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में उनकी सहायता करने लगे। पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में अध्यापन के दौरान उन्होंने सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज्य और हितवर्ता जैसे प्रकाशनों में कई लेख लिखे। साल 1916 में महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने आप को स्वाधीनता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्हें रायबरेली के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए 2 साल के कठोर कारावास की सजा भी हुई। विद्यार्थी जेल से रिहा हुए पर सरकार ने उन्हें फिर से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साल 1924 में उन्हें जब तक रिहा किया गया तब तक उनका स्वास्थ्य बेहद खराब हो चुका था। साल 1929 में ही उन्हें यूपी कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया और राज्य में सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर फिर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई गांधी इरविन पैक्ट के बाद 9 मार्च 1931 को हुई। कानपुर शहर में सांप्रदायिक दंगों की वजह से 25 मार्च 1931 को विद्यार्थी को अपनी प्राण गंवानी पड़ी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।